हमारे यहाँ बप्पा एक पुरुष ने भगाने के कोर्ट मैरिज करवाए घर शांति देवी का बलात्कार हुआ, इस वक्त मेरे वकील ठाकुर धर्म सिंह समाज से
पर मीटिंग में लिखी थी। इतना ही नहीं सर, इनके साथ में इंस्पेक्टर देसाई भी वहां पे मौजूद थे। और अगर ये यकीन ना हो सर तो इसमें कुछ फोटो वगैरह है इसमें देख लीजिएगा सर। नहीं नहीं सर, पॉइंट इज नोट सर, सर ये पॉइंट नोट किया जाए। मैं मानता हूँ सर कि जिस समय शांति देवी की जेल लूटी गई और उसका बेरहमी से खून किया गया उस समय ठाकुर धर्म सिंह समाज सेवा की मीटिंग में मौजूद थे। हमारे सीनियर वकील अति का कहना है जिस समय शांति देवी के साथ में रेप हुआ और उसका मर्डर हुआ उस समय हमारे पिता ठाकुर धर्म सिंह समाज सेवा में मौजूद थे। समाज सेवा की मीटिंग में मौजूद थे इंस्पेक्टर देसाई भी मौजूद थे सर। जब इंस्पेक्टर देसाई साहब वहाँ मौजूद थे तो ये तो उसके तस्वीर गवाह होंगे कि किस समय शांति देवी की इज्जत लूटी गई उस मर्डर हुआ उस समय वहाँ पे ठाकुर धर्म सिंह थे ही नहीं। ये जानकारी तो सिर्फ इंस्पेक्टर देसाई ही बता सकते। जय श्री रघुवीर सिंह। श्रीराम सर, मैं जज से दरख्वास्त करूंगा इंस्पेक्टर देसाई को अदालत में पेश किया जाए। इंस्पेक्टर देसाई हाजिर हो। सर ये लगे सर मुख्य रही नदी का कहना बिल्कुल सच है। जिस वक्त शांति देवी का के साथ में रेप व पीछे तो हुआ उस वक्त मैं ना ठाकुर धर्म सिंह समाज सेवा के लिए भी बेहतर थे। यस भी आ गया सर, मैं मान लेता हूँ कि जिस समय शांति देवी का खून हुआ और शांति देवी की जेल लूटी गई उस समय ठाकुर धर्म सिंह के साथ इंस्पेक्टर साहब भी मौजूद थे। लेकिन मैं अदालत ने ठाकुर धर्म सिंह के बजे रघुवीर सिंह से कुछ चंद सवाल करना चाहता हूँ। क्या इजाजत है? ठाकुर धर्म सिंह के बेटे रघुवीर सिंह, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं? आपके ये गले में क्या है? जरा इस लैक को अपने गले से बाहर निकालेंगे। आखिर क्यों? अरे देखना ही है। ठाकुर रघुवीर सिंह, ये लैकेट आप अपने गले में क्यों पहनते हैं? इंस्पेक्टर पंकज कुमार सिंह, ये लैकेट नहीं, ये हमारे ठाकुर खानदान की परंपरा है, इसलिए मैं ये लॉकेट के पहन मैं क्या हमारे परिवार में सभी लोग पहनते हैं। ओ आई सी, तुम्हारे पूरे परिवार के लोग सदस्य ऐसे लैकेट को धारण करते हैं? क्योंकि ये हमारे ठाकुर खानदान की परंपरा है। तो फिर ऐसा लैकेट आपके भाई तूफान सिंह की भी गले में होगा? हमारे जो यस निर्णय ब्यूरो रहने सर, ये लाकेट जरा गौर से देखे जाए, ये लाकेट ठाकुर रघुवीर सिंह के गले और ये ठाकुर तूफान सिंह के गले से जो पहले हुए थे ये दोनों लाकेट है। अब मैं इंस्पेक्टर पंकज इनको फंसाने की साजिश कर रहे हैं, इनको फजाने की बात कर रहे हैं। आज इंस्पेक्टर तुम जानते हो खूनी और कातिल है, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा सबूत है जो मेरे वकील ठाकुर धर्म सिंह खूनी और कातिल है? मिला जो रहा सर, हमारे काबिल वकील साहब हमें बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। ठाकुर रघुवीर सिंह के गले में था और जिनके छोटे बेटे तूफान सिंह के गले में था तो फिर ऐसा लाकेट ठाकुर धर्म सिंह के भी गले में होगा? मिलाए इनसे पूछा जाए कि ठाकुर धर्म सिंह के गले का लाकेट क्या हुआ? सर लगता है कहीं गिर गया है।
मिला गया ना सर, गिर नहीं गया। सरासर झूठ बोलकर केस से बचने की साजिश और कोशिश की जा रही है। मिला जिस समय शांति देवी की इज्जत लूटी गई और बेरहमी से उसका कत्ल किया गया, उसकी पगड़ा झगड़ी ने ठाकुर धर्म सिंह के गले का लाके शांति देवी के हाथों में आ गया। तो शांति देवी लड़खड़ाते हुए हमारे थाने तक आई ठाकुर धर्म सिंह के खिलाफ इज्जत लूटने और गोली मार देने के बयान करते करते अपने दम को तोड़ दिया। उसी वक्त ये लाके बेचारी उस शांति देवी के हाथों से मुझे मिला। अब जरा इन्हें गौर से देखा जाए और देखकर मिलाया जाए क्या तीनों लाके एक ही खानदान के हैं या नहीं। सर रघुवीर सिंह तुम इन्हें पहचान कर बता सकते हो क्या ये लाके एक ही खानदान के हैं? मिराज मैं अदालत से रिक्वेस्ट करूंगा ऐसे पैसे दरिंदे को कम से कम मौत की सजा होनी चाहिए। सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत ठाकुर धर्म सिंह के वकील और सच्चे की दलीलों को सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ठाकुर धर्म सिंह के पास ऐसा कोई ठोस साबूत नहीं है जिससे ठाकुर धर्म सिंह के गुनाह साबित हो। इसलिए ये अदालत ठाकुर धर्म सिंह को मुजरिम करार देते हुए फांसी की सजा सुना है। डरे होते हैं यार तो तुम्हें
के आदेश पत्र को जाने से आप फांसी तो लग गई, आसान चली गई, लेकिन ठाकुर घनश्याम की बाड़ी को चेल करके जैसे इनकी अभी ठाकुर रघुवीर सिंह के पास हमें दे इस वाले Thank you.
तो नहीं है देसाई, नहीं सुलगती आंख हृदय की, प्रकाश के खानदान से पूछाऊंगा, दिखाया नीचा मुझे उसे नीचा होगा होगा वही थे तो चार जो आप चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे कहने से नहीं, जैसे मैं बताऊंगा वैसे, लेकिन आप तो चाहते हैं कि जन प्रकाश बाबू से ज्यादा उनका पैदा पैदा अपनी अलावा कुछ की बात को कभी सुनता ही नहीं। कानून चलाना तो सीख गया, ठाकुर से बगावत भी कर लिया, इनका मौत की सजा भी दिला दिया, लेकिन नहीं नहीं ये दिल की जलती हुई आग तो जब बुझेगी, जब उसके खानदान से मैं खून की होली खेलूंगा, होली खेली जाएगी, लेकिन वक्त आने पहले उस बात को सोचो जो आपका मालेश्वर दिल्ली से गोला मारा, सोचने से पिताजी तो वापस नहीं आएंगे। नहीं सरकार ने आज विदेशी हथियारों से लेस होकर के गाड़ी चुप की दिल्ली से चेक पोस्ट मुरादाबाद होकर के और हमारे कस्बा तिलहर को आएगी। सेक्टर पंकज कोई अपना कानून का फंदा चलाए और मेरा माल पकड़ लिया जाए, नहीं इससे पहले ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, चेक पोस्ट पे अपनी ड्यूटी करो, अपने सभी सिपाहियों को सावधान कर दो कि हमारा माल हमारी गोदाम तक आसानी से पहुंच जाना चाहिए। सरकार मुरादाबाद चेक पोस्ट पे ड्यूटी कैसे हमारी ही लगी है, मैं आपसे वादा करता हूँ आपकी नोट पे की गाड़ी विदेशी हथियार की गाड़ी जो है ठीक है, मैं जा रहा हूं। गोपाल सिंह नहीं मेरे भाई, शायद तुझे नहीं मालूम, अरे चिता चिता तो मुर्दे को जलाती है और चिंता चिंता को जला देती है, चिंता किया तो बापू के कम में मुबतला हो जाएगा, अरे खाना पीना छोड़ जाएगा और जीना दुश्वार हो जाएगा, नहीं अब कोई तरकीब सोचो, कोई ऐसा तरीका छोड़ निकालो कि शेखर पंकज और जज प्रकाश बाबू से किस प्रकार से इसका बदला लिया जाए। चलो बैठ करके अपने पिता की मौत का शौक मनाते हैं। हमारे दो बेटे हैं, बड़े का नाम है इंस्पेक्टर पंकज और छोटे का नाम है शेखर, वो भी पढ़ रहा है, देखो हमको मिलने के लिए आ रहे होंगे, इंतजार करता हूँ।
मेरे भाई से खैर भैया।